ये अंदर दिल के अंदर जानते हैं कि ये अध्यादेश पूरी तरह से गैर कानूनी, गैर संवैधानिक और जनतंत्र के खिलाफ है। भद्दा मजाक किया गया है जनतंत्र के खिलाफ, देश के लोगों के साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के साथ। निर्णय आ गया जिसके आधार पे हम अपनी गुंडागर्दी, कमाई को बचाने के लिए ये उपाय कर सकते हैं। अगर उनके ऊपर भारत के संविधान ने एक रास्ता दिखाया तो उनको चोट पहुंचनी लाजमी है। ये मोदी बनाम केजरीवाल की लड़ाई का नया संस्करण है, जिसकी जड़ में दिल्ली के अफसरों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार, जिसको लेकर देश की सबसे बड़ी अदालत ने 11 मई को दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार सौंप दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि लोक व्यवस्था, पुलिस और जमीन जैसे विषयों को छोड़कर अन्य सेवाओं के संबंध में दिल्ली सरकार के पास विधायी और शासकीय शक्तियां हैं। लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि जैसे विषयों पर अधिकार केंद्र सरकार के पास है। सर्वोच्च अदालत के इस आदेश को पलटने के लिए केंद्र सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया, जिसमें ट्रांसफर पोस्टिंग पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलट दिया गया। अध्यादेश के मुताबिक केंद्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन करेगी, जो दिल्ली में ट्रांसफर पोस्टिंग और विजिलेंस का काम करेगी। इसके 3 सदस्य होंगे, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री के अलावा मुख्य सचिव और गृह सचिव होंगे। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये समिति अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला बहुमत के आधार पर करेगी, लेकिन आखिरी फैसला उपराज्यपाल का होगा। केंद्र की सत्ताधारी पार्टी बीजेपी की दलील है कि इससे पारदर्शिता आएगी। तो दिल्ली में काम करने वाले अफसरों के निर्णय के बारे में एक पारदर्शी और उत्तरदायी प्रक्रिया के लिए ये ऑर्डिनेंस लाया गया है। इस अध्यादेश से आम आदमी पार्टी बौखला गई। एक के बाद एक बड़े नेता मीडिया के सामने आए, किसी ने तानाशाही कहा, किसी ने आपातकाल, तो किसी ने तुगलकी फरमान। चोर दरवाजे से एक गैर संवैधानिक अध्यादेश लेकर आए, एक काला अध्यादेश, एक तुगलकी अध्यादेश। ये तो आपातकाल की स्थिति है कि जो आप चाह रहे कर रहे हैं। ऐसी तानाशाही, ऐसी बददिमागी। आम आदमी पार्टी की आक्रामकता के बीच केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पुनर्विचार याचिका दाखिल करते हुए केंद्र ने दिल्ली सरकार को ट्रांसफर पोस्टिंग पर पूरा नियंत्रण देने वाले फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की है।